और अब कैनन देखने के बाद हम लोग कहाँ आ चुके हैं, नागड़ फोर्ट। अभी नागड़ फोर्ट में बस आप लोगों को व्यू दिखा पाऊँ, जयपुर सिटी जो दिखती है ना यहाँ से, मतलब नेक्स्ट लेवल दिखती है यहाँ से जयपुर सिटी। ये देखो ये सामने ये तीनों चल रहे हैं और हर्ष चल रहा साथ में। और अभी बस ये व्यू देखना भी है इन सबके पीछे से, अभी ये व्यू नेक्स्ट लेवल है। इसी व्यू के लिए लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक ये सनसेट पॉइंट है ये। और अभी बस यहाँ से व्यू देखो, पूरा जयपुर दिखता है यहाँ से। जस्ट लुक एट द ब्यूटी भाई, मतलब ये नेक्स्ट लेवल है ये। और ऐसी यहाँ पे तीन विंडोज है, एक वहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है। ये व्यू देख लो, ऑब्सेस्ड आदमी है यार, अबे इंस्टेंट रिप्लाई मत कर। मैंने कहा भाई स्नेक बंदे का लोग है, हां मैं वही कह रहा हूं, सीन ही मत कर। मैंने वो नोटिफिकेशन से पढ़ ले, मैं तो जवान है, मैं तो फिरता रहता है। नहीं इसने कहा फोन उठा, अबे वो यहीं की फोटो है वो, हां ले लो मैं ले रहा हूं। हाँ स्टैंड का तो मैंने सुना है, यहाँ पे स्टैंड अलाउड नहीं है, उसकी फीस लगती है अलग से। बरसात का पानी जितना भी इस नाले द्वारा यहाँ आता है वो तो सही है। मास्क फिर कर गए लोगों ने, अब आपको ये नई चीजों को बताएं। आपने कहा था सभी दीवारों के कान होते दीवारों को देखते थे, आप किस कोई कह रहे यहाँ काम नहीं। पूरी आवाज आती है ना तू भाई, अभी अभी मैंने आपको बोला तेरे को पूरी आवाज आई भाई, पूरी पूरी आवाज। वो वहां पे बोलते हैं यहाँ पे सुनाई आती है, और अगर यहाँ पे बोलते हैं वहां पे सुनाई आती है। राजा का गलियारा, इससे क्यों राजा ही चलता है, इसमें रानी नहीं चलती। राजा अगर कोई डांस प्रोग्राम करवाता था तो दासी रानी यहाँ से नीचे देखा करती, नीचे जाने की परमिशन नहीं। आपने मूवी देखी हम साथ साथ, हमारा ही बड़ा बना से मोर शुद्ध देसी रोमान, शहर गुलाबी गुलाबी, सुशांत सिंह वो गाने इसी को लड़की सी ने दौड़ लगा के नीचे देखा। पानीपत की शूटिंगों के लिए अर्जुन कपूर आया था, पंजाब का बादशाह पॉप सिंगर नागिन नागिन का गाना यहीं शूट हुआ था। अजय अंदर आ जाइए, पहले लाइट नहीं थी यहाँ और लाल पेन लगा फिर रोशनी क्या करते, ये लाल पेनों के आइए वाले चले। वो तो लंबा है ना, इधर से देखती पटरानी सामने से देखती, राजा वहाँ से देखता था, वहाँ से महाराजा का प्रोग्राम होता था डांस। इस राजा के गलियारे को भूल भुलैया भी बोलते हैं, भूल भुलैया इसलिए बोलते हैं नो पैलेस में कनेक्टेड है। आप जिधर से घूम के जाएंगे उधर ही वापस घूम जाएंगे, और ऐसा लगेगा घूम फिर के वापस वहीं पे आ गए, क्योंकि उधर का पोर्शन इधर का पोर्शन आप देख लो सेम, इसलिए भूल भुलैया बोलते हैं। और राजा ने सारे पोर्शन भी सेम इसीलिए बनवाए कि किसी रानी में मतभेद ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, मेरा छोटा है उसका बड़ा, सारे पोर्शन सेम मिलेंगे। जो आप इधर से जाएंगे टेरिस पे, लेकिन पहले चलेंगे राजा के बेडरूम में, वहां से आपकी कुछ फोटो खींचेंगे, फिर आप टेरिस पे जाएंगे। हो गया, ये राजा का रूम है ये पूरा जो है।
ये महल देख लो भाई, ऊपर से टेरेस पे आ चुके हैं और टेरेस से बस ये व्यू देख लो। अब सॉरी फॉर दैट, लेकिन अब ये देखो The next morning. आज जयपुर छोड़ने का टाइम आ गया, अभी जा रहे हैं वापस से दिल्ली और आज थोड़ा सा बैड हेल्थ डे आ गया। तो अभी ये देखो, अभी मैं आपको विला टूर देता हूँ एक बार, मतलब ये हवेली टाइप है ये, तो देख लो एक बार। ये ऐसा है, मतलब स्टार्ट यहाँ से होती है गेट से और ये विला ऐसा है। मतलब काफ़ी सुंदर है यार, लेकिन मेंटेन अच्छे से नहीं किया है बस। ये देखो कैनन्स लगी हुई है पूरी, बहुत प्रॉपर हवेली वाइब्स आती है यहाँ पे। ये देखो रिसेप्शन है ये, और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है अंदर। यहाँ पे अभी डाइनिंग, मतलब ऐसे चेयर्स वगैरह लग जाती है, बैठ के खा लो यहाँ पे। और ये इन लोगों का रेस्टोरेंट है। अब इस साइड है रूम्स, तो अभी मैं आपको एक बार पूल वाला एरिया दिखा देता हूँ, वो काफ़ी सुंदर है। मतलब जैसे अभी ये लॉन एरिया है पूरा, तो लॉन एरिया में ये पूल है। और यहाँ से जस्ट पीछे बस स्टैंड भी है, तो फिर मतलब ऐसे, मतलब सेंट्रल पार्ट में, इसीलिए कहते हैं इसे। तो अभी फिर सीधा मिलते हैं, अभी देखते हैं कहाँ। फाइनली कितने घंटे के ट्रैवल के बाद, 6 घंटे के ट्रैवल के बाद, रोड ट्रिप के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं सरोवर। तो सरोवर होटल कुछ ऐसा है, ये तो रिसेप्शन है। अभी हम लोग चेक इन करवा रहे हैं, पीयूष खड़ा है वहाँ पे, चेक इन करवा रहे हैं और मैच चल रहा है बढ़िया। और अभी रूम मिलेगा, उसके बाद फिर रूम टू रूम में मिलते हैं अभी फिर। चलो, और अभी रूम के तरफ जा रहे हैं, थक गए यार। संतोष सर, और ऐसा है कुछ रूम। यहाँ पे बाथरूम है, रूम छोटा ही है, मतलब ठीक है। मैं वापस आ चुका हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा बहुत, मतलब बहुत अजीब सी एंडिंग होने वाली है, क्योंकि मतलब अभी मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया था कल और आज के दिन, क्योंकि सारे मतलब जा रहे थे एक एक करके, तो फिर मतलब थोड़ा मोमेंट में भी रहना था और एंजॉय भी करना था, तो फिर इसलिए मैंने इतना व्लॉग नहीं किया। लेकिन अब मैं आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन में, ये देखो, और ये सामने दूसरी ट्रेन है, और अभी मैं जा रहा हूँ वापस नागपुर। अभी बज रहे हैं 3:20, और हम लोग पहुँचेंगे कल, मतलब मैं पहुँचूँगा कल सुबह कितने बजे, ये अराउंड 7 बजे पहुँच जाऊँगा मैं। तो फिर अब देखते हैं, अभी तो पूरा कोच खाली अभी है, मतलब ये, मतलब मेरा ये वाला जो डिपार्टमेंट अभी है, आई होप कि कोई और आए ना वैसे, लेकिन कोई ना कोई आएगा ही, तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो चलते हैं।